शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भाई साहब, क्या है? मैं ये दो टुकड़े ले लूं? अबे घोचू, तुझे ये दो टुकड़े दिखाई पड़ते हैं? अरे ये बड़े काम की चीज है, बड़े काम की। इसके दाम लगते हैं, दाम। इसके दाम? हाँ। कितने? पूरे 5 रुपए। 5 रुपए? हाँ। इसके? हाँ। पैसे के लालच ने तेरे दिमाग के टायर को पंक्चर कर दिया है और अंदर से अकल की हवा निकाल दी है। अरे मूर्ख, क्या करेगा पैसा कमा के? पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा? अरे अकबर बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। सिकंदर जैसा बादशाह खाली हाथ दुनिया में आया था, खाली हाथ गया। कारून जैसा बड़ा बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सारी उम्र गंवा दी कमाने में पैसा, और बाद में यही साला पैसा बन गया अपने दुश्मन जैसा। ये जब आता है तो साथ में टेंशन भी लेकर आता है। इंसान के सर के बाल निकल जाते हैं, इंसान गंजा हो जाता है, फिर याशी में पड़ जाता है, कोठे पर जाता है, शराब पीता है, तवायफों के चक्कर में लग जाता है, उसके बाद उसको बीमारियां लग जाती हैं और रेड़ियां रगड़ के मर जाता है, और उसके मरने के बाद उसी पैसे के लिए उसके घर वाले एक दूसरे का खून कर देते हैं, गोलियां चलाते हैं, चाकू चलाते हैं, तलवार चलाते हैं और खून बहाना शुरू कर देते हैं। क्या तू चाहता है तेरे मरने के बाद तेरे खानदान वाले एक दूसरे का खून बहाए? नहीं नहीं भाई, मैं अपने घर में खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए अपने दिल से पैसे का ख्याल निकाल दे और ये दो टुकड़े मेरी झोली में डाल दे। अरे मेरे बाप, अरे तू ले जा ये दोनों टुकड़े, मुझे दाम नहीं चाहिए, मुझे दाम नहीं चाहिए। पहले बोलना था ना यार, खामखा मदारी तो नहीं बनना पड़ता था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो। जूते के नीचे लगाना है, ठीक रहेगा। जूता बहुत मजबूत रहेगा और बहुत सालों तक चलेगा हो। अनसोल लगवाने को आए, तुम्हारे जूते किधर हो? अरे आधा काम मैंने कर दिया, आधा तुम कर दो। क्या मतलब? जूते की जमीन मैंने ला कर दी, अब जूते का मकान तुम बना दो। जमीन का मकान तो मैं बनाऊंगा, लेकिन पैसे लगेंगे हो। पैसे? जूता बना के देता ही, अब मैं फिर से मदारी बन जाऊं? अरे मेरे बाप, फिर से तो मदारी मत बन, फिर से मदारी मत बन। मैं तुझे समझाता हूं, इसे जाने दे, इसे जाने दे। चलो किसी के दिल में तो मेरी बात उतरी, इसको बता के मदारी बनने में क्या नुकसान है। तब तक मैं जरा नजरों का राउंड मार के आता हूं। अरे मैं तेरे को समझाता हूं। राम राम तोला राम। है ये क्या बदतमीजी है? राम राम सिया राम कहा जाता है और तुम राम राम तोला राम कह रहे हो? नहीं नहीं, राम राम हम आपको कह रहे हैं और तोला राम हम अपना नाम बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बात है। अच्छा बताओ कि तकलीफ क्या है? बहुत वाहियात तकलीफ है साहब। जरा हाथ दिखाओ। उल्टी जुलाब होते होंगे। हट, उल्टी जुलाब तो बच्चा लोग करते हैं, हमको क्या उल्टी जुलाब होगा? बहुत ज्यादा कपकपी होती होगी, बदन ऐसे कांपता होगा जैसे चिपकली की कटी दुम। अरे नहीं, कहाँ कटी हुई दुम हिला रहा, कोई दुम नहीं हिलती यार। अच्छा अच्छा, तो क्या बीमारी है बताओ तो? शर्म आती है साहब। गुप्त रोग है। हट, क्या गंदी गंदी बात करते हो, तेरी माँ बहन नहीं है का? सुनो। अरे नहीं बाबा, है सब है का, ऐसी बात नहीं करो यार। अरे फिर अपने मुंह से बताओ ना क्या बीमारी है। तो बताते हैं, हमारे वहां तकलीफ है। हाँ? आंखों में जैसे ही 12 बजते हैं ना, तो हमारी आंखों में एक्सरे मशीन लग जाती है और हमको सामने वाला एकदम नंगा दिखाई देने लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हें सब लोग नंगे नजर आते हैं। अच्छा मजाक है। अच्छा नहीं, मजाक नहीं है, क्या बात करते हो साहब? ये हमारी खानदानी बीमारी किताब में कहाँ ढूंढ रहे हो? किताब में थोड़ा ही मिलेगा, हमारी जबान में मिलेगा। अच्छा अच्छा, बताओ तुम्हें क्या होता है? अरे साहब, हमारी तकलीफ तो बहुत ज्यादा है। जैसे ही 12 बजता है ना, तो हमारे सामने जो आदमी खड़ा होता है उसके खट 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 एक एक करके सब कपड़ा गायब हो जाता है। अब जैसे आप अभी 12 बजे अगर आप हमारे सामने खड़े रहें, तो आपका ये कोट, ये कमीज, ये पतलून सब गायब हो जाएगी और आप हमको खाली चड्डी में दिखाई देंगे, वो भी अगर आपने पहनी हो तो। वेरी गुड जोक, वेरी गुड जोक, आई लाइक इट, आई लाइक इट। अरे सुनो भाइयों, ये नया मरीज आया, इसकी आंखों में एक्सरे लगा है, कहता है 12 बजे इसे सब लोग नंगे नजर आते हैं। नंगे। जी जी जी
नीचे। अरे नीचे क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। तुम्हारी तरफ क्या देखो, फटी हुई चड्डी पहन के खड़े हो, बोलते मेरी तरफ देखो। फटी हुई और क्या, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने फटी चड्डी पहनी है? तुमने पीली चड्डी, नीली और पीली धाड़ी वाली नहीं पहनी हुई है? इसको कैसे पता चला? मैंने पहले बोला आंखें बंद कर लो। नहीं नहीं, आंखें बंद करूंगा तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, फिर चड्डी भी गायब हो जाएगी, पूरे नंगे दिखाई दोगे। अरे बाप रे, आंखें ढक लो ना हाथों से। अगर हाथों से आंखों को ढकूंगा तो मेरे को दीवार की उस तरफ का दिखाई देगा। हाँ दिखाऊं? क्या हुआ? छी 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 छी, तोबा तोबा तोबा, डॉक्टर साहब आपके पास जहर है? मैं फौरन पी लो एक गिलास। नहीं लेकिन क्या हुआ? उधर है ना आपका कंपाउंडर, आपकी बीवी को है ना? अच्छा अच्छा, वो पप्पी पूरी है कलाइयां, पहना दूं तुझे हरी हरी चूड़ियां। अबे अबे तेरे तो मैं नौकर लगा दूं तुझे, नाले मेरी बीवी ने तुझे पहना रहा था। मैंने सही कहा था ना? तुमने बिल्कुल सही कहा था, इसका मतलब हम सब नंगे। अरे पूरे नंगे दिखाई दे रहे हो। हे भगवान, ये हमारा बाप कैसा नंगों का खानदान पैदा कर दिया है। एक भाई को नंगा देखने की बीमारी है तो दूसरे भाई को नींद में चलने की बीमारी है। डैडी ये आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी साफ कर रहा हूँ। डैडी ये गाड़ी लोहे की बनी हुई है, कोई कागज या मोम की नहीं, जो आप इसको इतना आहिस्ता आहिस्ता साफ कर रहे हो। मालूम है मुझे कि ये लोहे की गाड़ी है, आता ना जोर से घसूंगा तो इसका पेंट नहीं निकल जाएगा, और तू गैरेज वालों को नहीं जानती है, पेंट का नाम ले तो रिजन बाहर से खोल देते हैं। कसम से अगर कभी कंजूसी का कंपटीशन हुआ ना तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल। तो मेरी कंजूसी से घर में गोल्ड मेडल आएगा ना, खुद जाएगा तो नहीं? चल डैडी, खुद के बाल नोचे, मेरे बाल नोचेगी। हम का नहीं हमें बैठाई के बैगन वहावे चल जाए, हम का नहीं हमें बैठाई के बैगन वहावे चल जाए। तेरा बैल है और या सरिया, मोरा बैल है तेज, हमरे बैल पे हो के सवार हो भैया, चल बैगन के खेत, हम का नहीं आ मैं बैठा के। अबे कहाँ अंदर घुसा जा रहा है, हट जाओ सामने से, हम नौकरों के मुंह नहीं लगते। नौकर? अबे मैं तुझे नौकर लगता हूँ? तो खुद को साहूकार समझते हो क्या? है? अंदर मालकिन में दूध लाने के लिए कहाँ पहुँचाने जा रहे हैं? बार बार रोक रहे हो, रिश्वत में दूध चाहिए क्या? अगर हम तो अंदर जाएंगे तो हमको रिश्वत में दूध पिलाएगा क्या? अरे तुम तो हमारे तरफ की भाषा बोल रहे हो, कौन जिला पड़ता है? घौसी। घौसी? तब तो तुम हो हमारे पड़ोसी, हम हंडिया के हैं। रहो, ये सब हम बाद में करेंगे। अच्छा एक बात बताओ मालिक काका। मालिक काका? चलो माली ही सही। मालिक है? नहीं, बाहर गए घूमने। बेटी होगी? अंदर है। एक बात बोले सच्ची? बहुत कमाल की चीज है। फिगरवा देखा है? फिगरवा समझते हो कि नहीं? कमाल का फिगरवा है, उसको जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको उठा के यहाँ से ले जाए और गांव में ले जाकर जाने में उसके साथ प्यार अच्छा है। अरे, हाँ? अरे तुम उसके बाप के बराबर हो, तुम क्या करोगे? वो हमारा डिपार्टमेंट है, ये क्या भरतनाट्यम कर रहे हो? अरे एक मामूली दूध वाला होकर इतनी लंबी जबान। अरे तुम हमारे सामने जब इतना ओपन हो ही गए तो हम भी टोटल ओपन हो जाते हैं। नहीं, अरे हम दूध वाला नहीं हूँ भाई, ये देखो हम उस लड़की का आशिक हूँ। अरे बहुत दिनों से ससुरी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, साली हाथ ही नहीं आ रही, सोचा आज जाके इसको चिट्ठी दे दे। गांव खेड़ के आदमी, हमारा इतना काम तो करी दो, उसकी चिट्ठी पहुंचा दो यार। पहुंचाए दे तो अब देखो हम किसको कहां पहुंचाते। डैडी, डैडी, ये तुमको डैडी डैडी कैसे बोल रही है? ये हमारी बिटिया है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी बिटिया है? तो पहले बोलना चाहिए ना, इतनी देर से बतिया कह रहे हो। अरे बताना चाहिए ना घर में कौन बिटिया है, कौन भाई है, कौन नौकर है, ये भाई साहब कौन है? सारी रात नहीं सोने देती, रात भर खर्राटे भरती रहती है, मानो इंजन में कचरा भर गया हो। हट, भगवान बचाए ऐसी जरूर से औरत है कि आफत। Thank you.
का करत हो कलवा के बापू? खर्राटे के साथ नींद में बोलने की भी बीमारी हो गई है। अरे भगवान बचाए ऐसी जोरू से। छोड़ो ना जी, अभी तबीयत ना ही है ना। तेरी तबीयत तो मैं ठीक करता हूँ। अबे भोला तू, तेरी ये हिम्मत? मैं कहा हूँ अभी तो यही हो बचवा, थोड़ी देर में ऊपर पहुँचाए तुमका। ये मचान ऐसा मत करो, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे छोड़ दो ना दादा जी। मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो दादा जी। अबे मैं छोड़ दो, अबे कुछ नहीं करता। अरे भाग के कहाँ जाते हैं हराम को, तुमके चिंता ना छोड़ेंगे। अरे भागत कहाँ है हराम को, क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? अरे दादा दीन काहे मार रहे हो बेचारे को? अरे मारने दो, तोरे बाप का काहे है बेचे। दादा दीन इसने किया क्या था? अरे लाला किया क्या था? किया ये था कि हमारी बीवी से लिपट लिपट के चुम्मा ले रहा है। वो तो नींद में हम उठ गए, खटका भाया, वरना हम गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते। अरे अरे हम कहते हैं माँ जूता लेके उसमें घोड़ा के नाल लगा के गपा गप मार मार के उसका टकला तला सुझाई दो, ये हमारी नाक कटवाए के गांव में फेंकवाई देगा। अबे तोले तोले, तू जो हर रोज 12 बजे पनघट पर नजारा करता है, वो तो हम बीमार हैं। हाँ बीमारी का मजा लूटता है, उससे क्या खानदान की नाक लंबी हो जाती है क्या? हम कहीं नहीं जाते हैं। अरे उस दिन 12 बजे तू उस मुरली की बीवी को नहीं देख रहा था? हे भगवान, अरे बुरा हो इनके बाप का। अरे इन दोनों की बीमारी इनके बाप को भी थी, मरने से पहले बीमारी का बंटवारा करके चला गया, अब जायदाद का बंटवारा करता तो हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अम्मा तो इनकी शादी काहे नहीं करवा देती? दोनों इधर उधर मुंह मारना बंद कर देंगे। अब इन्हें कौन समझाए? मुझसे कहते हैं जब तक इनके सपनों की रानी नहीं मिलेगी तब तक ये शादी नहीं करेंगे। ए सर, तू क्या मेरे को कुत्ते का पिल्ला समझता है जो इस तरह से बुलाता है? कैसी बात करते हैं सर, मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आया था। आपके तो दिन बदल गए सर। क्या बात करता है? हाँ सर, ये लड़कियों की तस्वीरें देखना बंद कर दीजिए। आज आपके जीवन में संसार की सबसे सुंदर स्त्री आने वाली है, और इतना ही नहीं वो आपको कुछ चीज भी देके जाएगी। तुझे कैसे मालूम? मैंने सपना देखा है। अरे बेवकूफ, सपने भी कभी सच होते हैं क्या? मेरे होते हैं, मेरे होते हैं। आप कैंप में किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने जिसके बारे में जो सपना देखा है वो हुआ है। एक बात बता, वो लड़की मेरे को क्या देकर जाएगी? ये मैं नहीं बता सकता। देखे अगर तूने नहीं बताया ना तो मैं तेरे को रस्टिकेट कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरा ये सपना सच होने वाला है, और फिर ये तस्वीरों वाली बात। कबीर, गुड मॉर्निंग सर। ये आज आपके जीवन में संसार की सबसे सुंदर स्त्री आने वाली है, और इतना ही नहीं वो आपको कुछ चीज भी देके जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस यस, आइए 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 आइए। हेलो सर, सर मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ। मुझे? हाँ, आप कितने अच्छे हैं, कितने शरीफ हैं, कितना डिसिप्लिन है आप में, मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। एक आप है और एक सर, मुझे बहुत शर्म आ रही है बताने में, मैं आपको क्या बताऊं, आप बस इस खत को पढ़िए। जान, इस खत को पढ़कर नाराज मत होना, क्योंकि इस खत में अल्फाजों की जगह अपने दिल के छोटे छोटे टुकड़े बिखेर कर आपकी खिदमत में पेश किए मैंने। जान मेरा यकीन करो, जब से तुम्हें देखा है ना दिल को चैन है ना करार, मेरे देखने से तुम्हें गुस्सा भी आता होगा। हाँ लेकिन नाराज मत होना जान, ये मेरा प्यार है, सिर्फ प्यार है जान, मेरी मोहब्बत को मेरा नजराना समझकर कबूल कर लो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पढ़ लिया आपने सर? हाँ पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया। सर मुझे इसका जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए। अभी? हाँ। और इसी वक्त? हाँ। देता हूँ, नेक काम में देरी किस लिए। Wah, 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 wah
ये तुम्हारा खत और ये है मेरा जवाब। बड़े बदतमीज किस्म के आदमी आप। मैंने आपके एक स्टूडेंट के बदतमीजी का जवाब मांगा और उसके बदले में आप मुझे ये लिख कर देते कि आपको मुझे शादी करनी है। हाँ। बड़े घटिया किस्म के आदमी आप। नहीं नहीं मैं आप बड़े मिल के भेजा स्टूपिड। फड़क सिंह ये सब क्या है। वही सर जो आप देख रहे हैं। सर अगर आप भी मेरी जगह पर होते और ये आपसे जवाब मांगती तो आप भी यही जवाब देते जो मैंने दिया है। सर मुझे गलत फहमी हो गई। ये क्या यू लगा रखा है। आप रोहित तुझे नहीं बुलाते जिसने मुझे खत लिखा है। रोहित बात सारी समझ में आ गई। सर ये हरकत रोहित की है। उसने अपनी जान बचाने के लिए मुझसे कहा कि एक खूबसूरत लड़की आएगी जो तुम्हें कुछ देकर जाएगी। मुझे क्या मालूम था कि वो उसी की चिट्ठी देकर जाएगी। इस फ्रॉड सर रोहित को बुलाइए सर। सर आपने मुझे बुलाया। सर रोहित क्या ये सच है कि तुमने इनके घर जाकर ये खात इनको दिया था। एक मिनट उधार वाला चुम्मा है ना प्यार से दे दो वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। है सर ये कौन है। मैं इनको नहीं जानता और ये खत मैंने इनको नहीं लिखा। और अगर आपको मेरे कैरेक्टर के बारे में जानना है तो आप खड़क सिंह जी से पूछिए। ये मुझे तब से जानते हैं जब मैं चड्डी में घूमता था। अरे चड्डी में घूमने का और खत लिखने का क्या ताल्लुक है। ताल्लुक है सर उसकी बात बिल्कुल बताइए बिल्कुल झूठा इंसान है। फिर कौन जो मुझे बार बार इल्जाम पे इल्जाम लगा जा रही है। सर आप इस खत को ठीक से पढ़िए। क्या इस खत की हैंड राइटिंग मुझसे मिलती है। क्या मैंने कभी किसी से शादी की है यहाँ पर। नहीं नहीं ये तो अनवर की है। तो आप अनवर को बुलाइए सर। तुम कहाँ जा रहे हो। मैं कहाँ जा रहा हूँ। आइए आइए अनवर मियाँ तशरीफ लाइए। आदाब भाई। अनवर मियाँ क्या खूब लिखते हैं आप। शुक्रिया शुक्रिया। और हैंडराइटिंग भी कमाल की है। शुक्रिया शुक्रिया। बस आप सीधे हो जाइए हुजूर। और ये बताइए कि ये खत इन मोहतरमा को आपने लिखा था। सर मैंने इनको नहीं लिखा था। तो बल्कि इनकी बेपनाह चाहत की गहराइयों को मद्देनजर रखते हुए ये खत मैंने इनकी नजर किया था। कोई भी गड़बड़ की ना तो सबको बता दूंगा कि तेरे साथ बस में क्या हुआ था। अनवर तू डर मत। तू सर को सब सच सच बता दे कि ये खत किसने लिखा था। मैंने लिखा था सर। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है सर। आप चुप रहिए। आप मेरे दोस्त को डराने की कोशिश कर रही हैं। अनवर ये खत इनके घर किसने पहुंचाया था। मैंने पहुंचाया था सर। नहीं पहुंचाया। अनवर ये सब सच है सर। अनवर तुम ऊपर से इतने शरीफ और अंदर से इतने बदमाश हो इसकी सजा मिलेगी। शुक्रिया। अरे 12 बज गए लाला जी। ललाइन इंतजार करते करते थक जाएगी और कितना तरसाओगे। अरे तनिक तरसने दो तड़पने दो। वो कहती है ना कि गर्मा गर्म जलेबी फूक फूक के खानी चाहिए नहीं तो ससुरी जबान जल जाती है। अरे लाला जी ललाइन के रूप की बड़ी तारीफ सुनी है। कहते हैं सात गांव में इससे सुंदर कोई नहीं। तनिक इसके रूप का बखान तो करो लाला जी। अरे भैया का बखान करें। हम ठहरे खानदानी आदमी बिल्कुल और हमारे खानदान में शादी से पहले वर वधू एक दूसरे की सूरत तक नहीं देखते। पर सुना है बहुत सुंदर। हाय दैया क्या गबरू जवान है। आज तो मजा आ जाएगा। मेरे अंगनी में तुम्हारा क्या काम है। मेरे अंगनी में तुम्हारा क्या। अरे अबे मेरे अंगनी में तेरा क्या काम है। अबे तू हाय राम। मैं कहाँ हूँ। तू कहाँ है। अरे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पूछे कहाँ है। मैं चला। हाय भैया खबरदार लग रहे जो मेरे पति पर हाथ उठाया तो। अरे मुझे लंगड़ा बोलती है। हाँ तू लंगड़ा तेरा बाप लंगड़ा तेरा खानदान लंगड़ा। मार उसको मार उसको मार 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 मार। मेरे पति को मारा। मैं तेरे दूसरे काम और दूसरी। अरे छोड़ अरे छोड़। ए बहू तुझे शर्म नहीं आती अपने पति को मारते हुए। ये मेरा पति है तो ये कौन है जो मेरे साथ सुहाग रात मना रहा था। हाय दैया ये तो भुलवा है। अरे मारा था। अरे तेरे बाप का कहा जाता
है मारते हैं। अरे हमारे दोनों के बाप का जाता है, ये मुझे मार रहा है ना। अच्छा है जो मारते हैं। अरे देखते क्यों, मारो सारे को मारो। अरे काहे मारोगे, आखिर हुआ काहे, कुछ बताओगे? अरे मारे नहीं तो क्या इसकी आरती उतारे? हमारी नई नवेली दुल्हन के साथ सो रहा था ससुरा। ये तो बहुत खराब बात है। अरे बोटी बोटी नोट डालूंगा। अरे खाली तुम बोलते रहते हो, बोटी करते तो हो नहीं। अबे हाँ सामने से। अरे उस दिन तो बहुत हमार मजाक उड़ावत रहे लाला। बलवा बीमार है, बीमार है आए? बहुत साथ दे रहे थे ना इसका, आज का है कमे की तरह गरम हो रहे हो लाला। अरे गरम कैसे नहीं होंगे, शादी का आदमी रोज रोज करता है। नहीं सुहागरात हर रात को मनाई जाती है। नहीं शादी कौन किया, पैसा कौन खर्चा किया और सुहागरात कौन मना रहा है? पटा इसके बाप का राज है, वो भी भोगट में बोलो। अरे भैया वो तो हम वक्त पे पहुंच गए, वरना ये तो हमारी लुगाई के साथ सुहागरात मना चुका होता, वो भी हमारे बगैर। अरे बहुत लफाड़िया है, हर रात को किसी ना किसी की जुरुआ के साथ सो जाता है, आज इसको मार के हमेशा के लिए लुड़काई दो। आज इसके हाथ पैर नहीं तोड़े तो मैंने भी अपने माँ का दूध नहीं पिया। चलो चूर समाज सेवक और केंद्र मंत्री श्री शैतान सिंह हमारी अदालत में हाजिर हो। मंत्री सलाम। मंत्री जी सलाम। शैतान सिंह जी सलाम। शैतान जी सलाम। सलाम सर। एक मिनट। शैतान मंत्री जी, मेरा पहला सवाल है कि आप हमेशा अपने साथ ये कुर्सी लेके क्यों घूमते हैं? सारा लफड़ा झगड़ा जो है वो कुर्सी का ही है ना, तो कुर्सी कैसे छोड़ दें? कुर्सी के मामले में हम अपनी पत्नी पे भी भरोसा नहीं करते हैं। हमारे इलाके में जाड़े में खटिया कम सरकती है, कुर्सी ज्यादा। कोई ढंग का सवाल पूछिए, पागल मत समझिए हमको यार। मंत्री जी आप पे आरोप है कि आप गलती से ईमानदार बहुत है। क्या 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 क्या? आप पे आरोप है कि आप गलती से ईमानदार बहुत हैं। ये आरोप नहीं है, ये साजिश है हमारे खिलाफ, जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है, हमारी इमेज खराब करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अपोजिशन वाले चाहते नहीं है कि हम इलेक्शन में जीत पाए, इसलिए सब हमको कहते हैं कि ये ईमानदार है, ईमानदार है। और हम जनता से साफ साफ कह देना चाहते हैं कि हमारे जैसा भ्रष्ट और चालू नेता इस देश में पैदा नहीं होगा। तुम कहीं को बैठ गए यार, हमारे पक्ष के उम्मीदवार बैठ जाए ये हमको पसंद नहीं है। हम थूके ना थूके, तुम डब्बा पकड़े रहो। मंत्री जी हमने तो यहाँ तक सुना है कि जब आपको खेल कूद का मंत्री बना दिया गया तो आपने खेल कूद की तरक्की के लिए कुछ किया ही नहीं। ऐसा कैसा कह रहे हैं आप, ऐसा कैसा कह रहे हैं? अब हाकी को ले लीजिए, हाकी में जो गड़बड़ हो रहा था हमने चेंज कराया। 22-22 तगड़ा तगड़ा लोग यह बड़ा बड़ा डंडा लेकर एक नन्ना सा गेंद के पीछे पड़ जाते, अच्छा लगता था? अच्छा नहीं लगता। दुनिया भर का झगड़ा होता है, एक गेंद के पीछे पड़ जाता है। हमने उसको चेंज करा, हमने कहा कि हर एक खिलाड़ी को उसका अपना गेंद दे दिया जाए, अपना गेंद पकड़ कर खेलता रहे, खेल का खेल होता रहेगा और गोल भी ज्यादा होगा, वरना डेढ़ डेढ़ घंटा खेलता रहता है, एक गोल नहीं होता। बिजली बिजली प्यारी बिजली, बिजली 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 को लाऊंगा दुल बना के, बिजली को लाऊंगा जोरू बना के, बिजली को लाऊंगा। क्या बे? मैं तुझसे हजार बार कह चुका हूँ और आज आखिरी बार कह रहा हूँ, और आखिरी बार के बाद जो बार आता है उस बार से कह रहा हूँ कि मेरे रास्ते से हट जा। अबे तेरा कौन सा रास्ता, रात को नींद में चलने वाला लकड़ा भग्गा, तेरा कौन सा रास्ता बे? बिजली का रास्ता। बिजली? तेरा बिजली से क्या लेना देना बे? अरे मेरे भेजे की मलिका, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल का सुरूर, मेरे पेट की ठंडक। और क्या है रे, मैंने तुझसे कितनी मर्तबा कहा बिजली का नाम लेने से पहले कुली कर लिया कर, उसका नाम मैला हो जाता है, और जब वो तेरे सामने आया करे तो कालीन की तरह बिज जाया कर, वो तेरी होने वाली भाभी है। वो मेरी होने वाली भाभी नहीं, वो तेरी होने वाली भाभी है। देखा नहीं कितने प्यार से देखती है मुझे। तो क्या हुआ, हर भाभी देवर को प्यार से देखती है। अच्छा तो आज फैसला हो ही जाएगा कि वो किसकी भाभी है और किसकी बीवी है। मंजूर है, चलो आओ।
है। काट डालूंगा, काट डालूंगा, काट डालूंगा। बोला अपने झाड़ू की तलवार से तू मेरी गर्दन काट डाल। अगर तू मेरे अरमान मेरे कलेजे से उखाड़ नहीं सकेगा, बिजली मेरी थी, बिजली मेरी है, आगे मत बढ़, बिजली मेरी रहेगी, आगे मत बढ़। देखा स्वामी, देखा तो हार निखट तू पिल्ले कैसे आवारा कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। हाय दैया। दैया नहीं, ये बिजली का भैया है। ये कैसा दिख रहा है? क्या आदमी इतनी हल्दी गिरा दिया? ये तो अच्छा हुआ मेरे कपड़े खराब नहीं हुए, तुमको तो नहीं लगा ना? नहीं। बिजली का छोटा भैया, अब ये देखो बिजली का पीला भैया। क्या रे भैया, किसको बोलता है? अरे 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 अरे, कपड़े क्यों फाड़ रहे हो? अभी तो नए बनवाए थे। हे भगवान, मैं क्या करूं इन बच्चों का। अरे बिजली आ गई तू, आजा आजा, भैया। ए, तेरे को बुला रही। आजा। चलो। थोला भैया, हम आपको राखी बांधने आए हैं। अरे हाथ आगे बढ़ा ना। अरे थोला भैया कहाँ गए? अरे थोला, अरे वो इधर गया होगा, पकड़ के ले आओ उसे। बांधो उसको भी राखी। देखो हमारी तबीयत बहुत खराब है, हम बहुत परेशान हैं। अरे क्या क्या कर रहे? अरे नहीं देखो, ये इतनी सारी राखी काहे के वास्ते? ये सब तेरी बहने हो गई। ये चलेंगी, ये बिजली तो नहीं ना? बिजली भी तेरी बहन हो गई, समझा? भाई का कान पकड़ते तेरे शर्म नहीं आती? चलो मैं अपने दूसरे गांव में जाके रहेंगे। अरे चुप रहे, कुछ भी बकता रहता है। चलो चलो दूसरे शिकार पे चलना है। संभाल के अपने पति को मत बांध देना। ए नरस, क्या है? तमेरे को एक बात पूछू? क्या पूछना है? तमेरे लोग मेरे को इधर काय को लेके आए हैं? खामोश, इधर ज्यादा बात नहीं करने का। तुम्हारा बलात्कार हुआ है ना, अभी तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा। चेकअप? तमेरे से दूसरी बात पूछू? तमेरा हार्ट स्ट्रांग है ना? क्यों नहीं? धक्का लगने का चांस है। देखो जो भी कहना है मिसेस गायकवाड़ से कहना, वो अभी आती होंगी। मिसेस गायकवाड़? बेचारी सुकर से धक्का तो उसको भी लगेगा ना बेचारी को। ही हलकर साला, मेला मर्द लोगन को बहुत सर्दी है। अगर पलटकार करने की टाइम जरा शर्म नहीं आता ही लोगन को? चला कपड़े काटा। तो मेरे को मेरे पे दया आ रही है। ओ बाबा आती है। मेरे को तो मेरे लोग पे दया आ रही है। क्यों? तो मेरे लोग मेरा सिर्फ ऊपर ऊपर से चेकअप कर डालो। बस अगर जब तक हम तुम्हारा चेकअप नहीं करेंगे तो हलकट मुथर खड़ सिंह को सजा कैसे दिलाएंगे? तला काड़ा काड़ा। मैं हाथ जोड़ के तमेरे से विनती करती हूँ, तुम लोग सब अच्छे घर के लड़की हो, मेरा चेकअप करके अपनी जिंदगी खराब मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ बाबा। शर्माती है, शर्माती है। चला हाथ पाई पकड़ा, जकड़ा जकड़ के मेरे को गिरा दिया, गिरा के मेरा चेकअप किया और खुद का साथ ज्यादा दिया। नाश किया और बाकी को जिंदा लाश किया, बाकी को जिंदा लाश किया। हे जीरे।